लुकवासा अचूनी ग्राम पंचायत के ग्राम खरई में पिछले 4 महीनों से ब्लैकआउट की स्थिति होने के कारण रविवार की सुबह ग्रामीणों ने लुकवासा स्थित पावर हाउस का घेराव कर दिया। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव में घरेलू बिजली कनेक्शन नहीं दिए गए हैं, ऐसे में वो खेतों और पंप चलाने के लिए जो कनेक्शन दिए गए हैं उन्हीं से घरों में बल्ब जला लेते थे, परंतु पिछले 4 माह से गांव में वो लाइट भी सप्लाई नहीं की जा रही। इसके कारण ना तो खेतों में बची फसल को पानी दे रहे हैं और ना ही घर रोशन हो रहे हैं। इस मामले में जब पावर हाउस के लाइनमैन ने ग्रामीणों से ये कहा कि साहब कहते हैं कि जिन लोगों की समस्या है वो खुद फोन क्यों नहीं लगाते, तो ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बाद में पुलिस ने समझाइश देकर ग्रामीणों को बदरवास भेज दिया। क्या क्या समस्या है आपकी? लाइट की समस्या है। कब से? 4 महीना समस्या है। रात में बत्ती नहीं चमकी हमारे यहाँ। अच्छा, बिल्कुल भी नहीं आई। दिन में थी। तो आज क्या किया आपने यहाँ? जहाँ आके इनसे बोल रहे हैं, सुजिया कह रहा है लैंडमैन के तुम बिल चढ़ाओ, हम लाइट छोड़ेंगे, हम साहब ऊपर सुनाई कर रहे हैं। तो क्या बिल? हमारे पास मीटर है नंदन साहब, हम बिल का आधार चढ़ा दें। अच्छा, मीटर भी नहीं है। हाँ, क्या बीपीएल की लाइन है? क्या है बीपीएल पंप लाइन है? सो वो 10 घंटे ही कर दी। जब हम विधायक साहब खा गए थे तो उनने जब बोला कि मैं 10 बजे से लाइट आई तुम्हारी, 10 से तुम लाइट कट जाओगे रही, मैं 10 की करवा दूंगा। तो वो 10 की नहीं आ रही है, 4 महीना से बत्ती नहीं चमकी। जिनकी मर्जी से लाइट छोड़ते घंटा 2 घंटा, तो बस गाय पे लाइट कहाँ जा रही। कारण ये है कि हम यहाँ पर लाइट, हमारी लाइट की समस्या को लेकर आए, तो समस्या बताने पर हमें जो पंप हीटर 10 घंटा चलता है, 10 घंटा में 2 घंटा तो अभी आ रहा है, लेकिन जहाँ कैबे पे आने के जी अधिकारी लोग जब कह रहे हैं कि साहब ने मना कर रखी है, ये बात बता रहा है लाइनमैन। और जब हमने ऑपरेटर से बात करी तो ऑपरेटर जब कह रहा हो कि खराई फीटर का जो रात में फीटर चलते खराई को, भाई हम देहरदा में छोड़ते पैसे ले, जब हम तो ऑपरेटर ने कही।